Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer buy one get one service free. Rush. Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और स्थिति काफी भयावह होते जा रही है और इंजेक्शन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। ठाणे के वर्तक नगर सर्कल के पास सहयाद्री फार्मेसी के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मरीजों की परिवार वाले कतार में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मरीजों के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए ज्यादातर डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन ही लिख रहे हैं। मेडिकल वाले हॉस्पिटल के पेपर आधार कार्ड लेने के बाद उसे वेरीफाई करते हैं और उसके बाद मरीजों के परिवार को टोकन देते हुए करीब उन्हें दो दिन या अगले दिन का टोकन नंबर लिखकर दे रहे हैं। टोकन लेने के बाद भी उन्हें 3 से 4 घंटे तक इंजेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ता है, जबकि डॉक्टर उनके दिए कागज पर साफ लिखे हैं कि उन्हें इंजेक्शन बहुत जरूरी है। सवाल यह उठता है कि 800 से 1000 रुपए में मिलने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन बाहर ब्लैक में 5 से 10 हजार रुपए में मिल जाते हैं, जबकि सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल व मेडिकल में उपलब्ध नहीं है। मुंबई और ठाणे जिले के अलग अलग ठिकानों से सैकड़ों लोग ठाणे के वर्तक नगर के पास सहयाद्री फार्मेसी में 24 घंटे खुले रहती है उस फार्मेसी के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक इंजेक्शन के लिए लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए मुंबई ठाणे कल्याण डोंबिवली के अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद ठाणे के वर्तक नगर पहुंचे हैं। उन्हें यहां उम्मीद की किरण जरूर नजर आ रही है क्योंकि उन्हें टोकन दिया जा रहा है। टोकन मिलने के बाद लोग क्या कह रहे हैं आप उनकी जुबानी सुनिए और सहयाद्री फार्मेसी चलाने वाले ने क्या कुछ कहा है सुनिए। सर कितने इंजेक्शन रोज दिए जा रहे हैं, लोग कहां कहां से आप लोग आते हैं और सरकार ने 10% लिखा, लेकिन आप एक और कदम आगे बढ़ के लोगों से और 2% कम ले रहे हैं एक सेवा भाव की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? वही लोगों को इंजेक्शन की बहुत जरूरत है, लोग आते हैं रोज के 500 लोग आते हैं, इंजेक्शन 100 ही मिलता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सब हॉस्पिटल में देना चाहिए। हमारे तक कस्टमर नहीं आना चाहिए, हॉस्पिटल में उनको देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को सोशल डिस्टेंसिंग पालनी है और सब कुछ करना है तो हॉस्पिटल में ही आना चाहिए सब इंजेक्शन। सुमंगल पाटलीपाड़ा। पेशेंट को कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट किया है और क्या उम्र है पेशेंट का? उम्र है 30 पेशेंट का और ये साइटिटिकल हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट किया हुआ है। कल मैं लेके आया था, कल उनका कोरोना का टेस्ट करके मैं इधर लेके आया था। मुझे डॉक्टर ने दूसरे बोला था कि इधर नहीं होएगा इलाज, तो मैं पाटलीपाड़े से लोकल डॉक्टर से लेके इधर आके एडमिट किया हूँ। तो इसके बाद में डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लिख के दिया था, वो मेडिसिन मिला है। जब भी अभी कोविड का रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव दिखाया, पॉजिटिव दिखाने के बाद मैं इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़ा रहा। मेरा नाम अशरफ शेख है, मैं आया हूँ, मेरे फ्रेंड के पापा एडमिट है, कोरोना पॉजिटिव बताया उनको, उनको भिवंडी में नीरा में हॉस्पिटल कामत घर के इधर एडमिट किया है। मैं इधर इंजेक्शन के लिए आया हूँ, मैं इंजेक्शन के लिए सुबह से इधर खड़ा हूँ।